बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की यहां पर मांग की गई है दुष्यंत चौटाला की ओर से। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार के पास विश्वास मत नहीं है, दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, ये दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा क्या है। दूसरे राजनीतिक दल के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, तो ये कई बयान निकल करके सामने आए हैं। दो एमएलए की स्थिति के बाद सदन की संख्या 88 है, दुष्यंत चौटाला ने कहा है। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, ये भी दुष्यंत चौटाला कहते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। दो महीने पहले जो सरकार बनी थी, आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले दो एमएलए, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय, ने इस्तीफा दे दिया। और तीन एमएलए इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, गवर्नमेंट से गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे। और इसके लिए महामहिम राज्यपाल को लिखित तौर पर भी हमने भेजा है और ये मांग करी है कि संविधान के अनुसार ये पावर महामहिम के पास है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश सरकार को दे और सेशन बुलाकर फ्लोर टेस्ट कराए। दुष्यंत चौटाला को वो कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट की यहां पर मांग कर रहे हैं, विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग, सरकार के पास विश्वास मत नहीं है, दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे। तो हरियाणा के राजनीति से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको दे, दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल को पत्र लिखा है, विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की यहां पर मांग की है, सरकार के पास विश्वास मत नहीं है, दुष्यंत चौटाला ये कहते हुए नजर आए, हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते हैं। तो हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, प्रवक्ता बीजेपी के, जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, जनता टीवी में आपका सर बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ सवाल ये कि यहां पर विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर रहे हैं दुष्यंत चौटाला, कैसे देख रहे हैं आप इसको? आवाज मिल पा रही है क्या सर? हेलो, आवाज मिल पा रही है सर क्या? जी जी बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ जी कि हरियाणा की सरकार जो नायब सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है जी, उस सरकार को आवश्यक जो समर्थन होता है विधायकों का वो प्राप्त है। उस सरकार को अल्पमत की सरकार कहने वाले लोग जो हैं उनको अपना घर संभालना चाहिए पहले। और सीधी सी बात ये है कि सरकार ने नायब सिंह जी के शपथ लेने के बाद अपना जो बहुमत है जी, सदन का विश्वास है, वो वैधानिक आवश्यकता के अनुसार साबित कर दिया था जी। जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला उस दिन भी हमारे साथ नहीं थे जी। रही बात तीन लोगों के, भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने समर्थन दे रखा था, उनके अलग होने की, उनके अपने आप को कांग्रेस की गाड़ी में चढ़ाने का ऐलान करने की, तो उनके जाने मात्र से कोई समीकरणों में बड़ा भारी अंतर आ गया हो जी, ऐसा नहीं है। अगर किसी भी स्टेज पर, किसी भी स्तर पर कोई तकनीकी संवैधानिक आवश्यकता इस बात की आन पड़ती है कि फ्लोर टेस्ट हो जाए, तो भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार फ्लोर टेस्ट में जैसे पहले हर कदम पर विजयी रही है, नए समीकरणों में भी हम आसानी से, सहजता से अपना बहुमत साबित कर देंगे, जिसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। कम से कम दुष्यंत चौटाला को तो होना नहीं चाहिए। दुष्यंत चौटाला को एक काम करना चाहिए, उन्हें पता करना चाहिए कि उनकी पार्टी के कितने विधायक जी आज हरियाणा के लोकसभा चुनावों में गांव गांव गली गली जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं जी। तो जिनको, जिन दुष्यंत चौटाला को, अजय गुलिया जी भी प्रवक्ता जेजेपी के जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं जी। दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ समस्या इस समय ये है जी कि उन्हें अपने ही विधायकों का
विश्वास हासिल नहीं है। ठीक है, तो पहला प्रयास उनको करना चाहिए, हमारे तो गठबंधन के सहयोगी रहे हैं, पहला प्रयास उन्हें अपने विधायकों का विश्वास अपनी पार्टी में बनाए रखने के लिए करना चाहिए। सरकार की चिंता छोड़ दें, सरकार की चिंता भारतीय जनता पार्टी कर देगी। ठीक है, सरकार को बहुमत हासिल है। ठीक है, अजय गोलिया जी, जनता टीवी में आपका बहुत स्वागत है सर। स्वागत के साथ सवाल ये कि जिस तरह से दुष्यंत चौटाला की ओर से मांग की गई है फ्लोर टेस्ट की, क्या आप बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं अपने पार्टी की ओर से कि आपके जो विधायक हैं वो आपके साथ हैं? अजय गोलिया जी, आपको एक देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर दूं, इन गलत पड़े हुए वीरेंद्र चौहान को ये स्पष्ट कर दूं कि जो पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था वो मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ आया था। अविश्वास के खिलाफ बीच में बोला था वीरेंद्र चौहान के बीच में बोला था, क्या इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ, इसकी आदत है दूसरों के बीच में बोलने की। अजय गोलिया जी, जानकारी है, सुन रहे हैं आप, बोलिए। ठीक कर रहा हूँ आपको, मैं आपको ठीक कर रहा हूँ। अरे इसको खुद तो कोई जानकारी है नहीं। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मैं आपके पास के नेता है, वो लेटर लिखने के लिए स्वतंत्र है। हमने लेटर राज्यपाल महोदय को लिखा, राज्यपाल महोदय तय करेंगे कि आगे क्या करना है, विधायकों के हस्ताक्षर की हुई चिट्ठी मंगानी है कि उनकी परेड करानी है, ये अख्तियार वीरेंद्र चौहान या नायब सिंह सैनी के अख्तियार में है क्या? ये अख्तियार तो राज्यपाल महोदय का है जी। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि बार बार ये कहना कि अविश्वास प्रस्ताव तो मनोहर जी की सरकार के खिलाफ आया था, इनको उसके बाद का याद क्यों नहीं रहता? जब नायब सिंह जी ने शपथ ली, नायब सिंह जी ने भी सदन का विश्वास विधिवत हासिल किया था। एक बात, अजय गोलिया जी, सवाल मेरा क्या है, मेरा सवाल ये है सर आपसे, गलत चीजें हैं। अजय गोलिया जी, सवाल मेरा ये है कि जो आपके विधायक हैं, आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो आपके विधायक आपके साथ हैं? उसकी चिंता वीरेंद्र चौहान को होनी चाहिए कि मुझे होनी चाहिए? हम लोग पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं कि वो पार्टी विप जारी होने के बाद जननायक जनता पार्टी विधायक दल का नेता जहां उनको कहेगा, जो पार्टी निर्णय लेगी, वो उसके पक्ष में मतदान करेंगे। इनको शायद जानकारी नहीं है, अगर वो हमारे खिलाफ होते हमारे विधायक, तो वो विधायक दल की मीटिंग बुला करके दो तिहाई बहुमत से विधायक दल के नेता पद से दुष्यंत को हटा देते। उन्होंने ऐसा किया क्या? ठीक, उन्होंने ऐसा किया क्या? अब खिलाफ तो अनिल विज भी थे, क्या हो गया? ठीक है, ये कह देने से कुछ नहीं होगा। कानून प्रदेश कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, वीरेंद्र चौहान के कह देने से कुछ नहीं होगा। देखो गोलिया जी, इसको व्यक्तिगत नहीं बनाते हैं जी, राजनीति की बात कर लेते हैं। राजनीति ये कहती है कि आपकी पार्टी के विधायक खुले में आपके नेता के और पार्टी के विरुद्ध बोल रहे हैं, इस बात से आप कैसे इनकार करोगे? मैंने बोला था जम्मू में दही जमी थी क्या? जब अनिल विज ने बोला था जम्मू में दही जमी थी क्या? क्यों नहीं कहा? मैंने आपको सुना, आप भी सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने पार्टी के प्रवक्ता के नाते वीरेंद्र सिंह चौहान ने कब कहा कि हरियाणा प्रदेश वो संविधान के हिसाब से कानून के हिसाब से नहीं चलेगा? मैंने तो सिर्फ एक राजनीतिक बात कही है, उससे आपको परेशान होना? अपनी राजनीतिक अपने राजनीतिक दल की चिंता करो ना, मेरे राजनीतिक दल। अजय गुलाब जी, मैं आपके पास लौटूंगी, एक बात सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं, एक साथ मत बोलिए। आपने मेरे दल के प्रति अविश्वास की बात की है, तो मैं कहता हूँ आपके नेता को आपके अपने विधायकों का विश्वास हासिल नहीं है, और ये बात खुले में हो रही है। मैंने तो इतनी सी बात कही है, क्या इसको नकार सकते हो? नहीं, ये बात बंद कमरे में हो रही है कि सरकार अल्पमत में है, ये बात भी तो खुले में हो रही है। मान ली तुमने, सरकार मान ली क्या? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया क्या? सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया जब 47 विधायक तुम्हारे साथ? सरकार क्या, तुमने इस्तीफा दे दिया? सरकार बहुमत में है और आवश्यकता वीरेंद्र चौहान के कह देने से सरकार बहुमत में है। मैं भी कह रहा हूँ जनता पार्टी के 10 के 10 विधायक हमारे साथ है और काम करेंगे, वोट करेंगे। बहुमत जो है वो टेलीविजन स्टूडियो में साबित नहीं होता, बहुमत सदन में साबित होगा, और ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हम साबित कर देंगे कि सदन के बहुमत का विश्वास नायब सिंह जी की सरकार को हासिल है। और ये भी सबके सामने फिर से आ जाएगा सदन के भीतर कि हम पे हमारे ऊपर ये आरोप लगाने वाले कि हम अल्पमत में हैं, उन्हें अपने अधिकांश विधायकों का साथ हासिल नहीं है, ये साबित हो जाएगा। कितने लोग इनमें से इस्तीफा दे जाएंगे जरा हिसाब कर लीजिएगा।
ये भी देख लीजिएगा जो आप दावा कर रहे हो कि विप की छड़ी से, विप के डंडे से आप कितने दिन से रोक पाओगे? गवर्नर महोदय को जो चिट्ठी लिखी है, क्या वो लोकतांत्रिक है? इनको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? हमने कोई लोकतांत्रिक काम किया है? लोकतांत्रिक अधिकार अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को। अजय गुलिया जी, मेरा सवाल ये भी आपसे कि दूसरे दलों के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, दुष्यंत चौटाला ये भी कहते हुए नजर आए हैं। अब तक आप कटाक्ष कर रहे थे, अब ये कह रहे हैं दूसरे दरवाजों के लिए, दलों के लिए खुला है दरवाजा अपना आपका, और आप आपके पास विधायक आपके हैं साथ में, ये भी नहीं बता पा रहे आप? नहीं, कौन बता नहीं पा रहा? हम कह रहे हैं हमारे विधायक हमारे साथ, हमारे पक्ष में मतदान करेंगे। हमने डेमोक्रेटिक काम किया है। गवर्नर मोदी को चिट्ठी लिखना, एक विधायक दल के नेता का डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में अपने गवर्नर को चिट्ठी लिखना कहाँ गलत है? हमें लगा सरकार है, हम मानते हैं सरकार अल्पमत में है। राज्यपाल मोदी ने तय करना है कि सरकार अल्पमत में है कि उनको लगेगा, वो आगे फ्लोर टेस्ट की बात करेंगे नहीं करेंगे, ये उनके अधिकार में है ना। वीरेंद्र सिंह चौहान जी, आपका एक छोटा सा प्रतिक्रिया। मुझे केवल ये कहना है, मैं दुष्यंत सिंह चौटाला और अजय गुलिया के इस अधिकार का सम्मान करता हूँ कि वो गवर्नर को चिट्ठी लिखें। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपने चिट्ठी लिख के गलत किया। मैंने केवल और केवल ये बात कही कि जैसे आपका चिट्ठी लिखने का हक है, ऐसा ही ये हक हमारा भी है कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट आएगा हम साबित कर देंगे कि हम बहुमत में हैं, हमने पहले भी साबित किया है। फिर दोहराऊंगा, अजय गुलिया जी अपने विधायकों की संभाल कर लीजिए। अपने विधायकों को आप विप के डंडे से कब तक हांकोगे, इस बारे में विचार जरूर करना चाहिए। सलाह दे रहा हूँ, बिना बात दे रहा हूँ, आपको हजम नहीं होगी फिर भी दे रहा हूँ। विधायकों को विप की डंडे से कब तक हांकोगे? विधायकों को विप के डंडे से कब तक हांकोगे? अजय भाई, जब ये सरकार बदलेगी तो अजय भाई अजय भाई आपके विधायक हैं वो बैल नहीं है जो विप के सांकड़ों से आपके लोग स्थायी भी होते हैं, कुछ लोग स्थायी भी होते हैं तुम्हारी तरह। आप चिंता करो, जब सरकार बदलेगी जाना है। मैं ये कह रहा हूँ कि विप के सांटे से कब तक हांकोगे? विधायक है, बैल नहीं है। अजय गुलिया जी, आपको एक छोटा सा रिएक्शन, समय की सर कमी है, अजय गुलिया जी आपको एक छोटा सा रिएक्शन। नहीं, अगर विप की भी ताकत है तो वो कानून सम्मति तो होगी, संविधान ने हमें अख्तियार दिया, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अगर विप की ताकत भी है तो वो संविधान ने तो दी होगी। कोई अनपार्लियामेंट्री काम हम लोग कर रहे हैं क्या? विप जारी करने की ताकत राजनीतिक दलों को संविधान ने तो दी होगी, उसको अवेल करेंगे। मैं तो केवल एक संभावना पर मैं कह रहा हूँ, ये विप का सांटा लिए खड़े रहेंगे विधायकों को बैल समझकर, उधर इनसे कुछ विधायक सम्मान सहित इस्तीफा देकर जा सकते हैं। ये पहले क्या इस्तेमाल नहीं है क्या? ये हाथ मारते जाएंगे, ये हाथ भारतीय जनता पार्टी ने भी पुजारी नहीं करे क्या? ठीक है सर, यहाँ पर समय की बेहद कमी है सर। वीरेंद्र सिंह चौहान, अजय गुलिया जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए।